बात करेंगे, 8:32 हो चुके हैं। शोर शराबा जो बीते दिन नजर आया था, प्रचार किया गया था, धुआंधार प्रचार किया गया था, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई थी अपने अपने हक में वोटर्स को लुभाने के लिए। लेकिन आज अग्नि परीक्षा है, राजस्थान में छात्र नेताओं की अग्नि परीक्षा है। आज आखिर कौन होगा कैंपस का किंग, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और 8:33 हो चुके हैं, वोटिंग प्रोसेस 8 बजे से शुरू हुआ था और छात्र संघ चुनाव के लिए प्रदेश भर में मतदान जो शुरू हुआ है, लेकिन सभी की नजरें जो हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हुई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में त्रिकोणीय मुकाबला है, छात्र संघ चुनाव के लिए दोपहर 1 बजे तक वोटिंग डाली जाएंगी, वोट डाले जाएंगे और यूनिवर्सिटी के ने वोटिंग के लिए 51 मतदान केंद्र स्थापित किए और इसमें 24 पोलिंग बूथ यूनिवर्सिटी कैंपस में है, जबकि बाकी 67 पोलिंग बूथ संगठक कॉलेजेस में बनाए गए हैं। महारानी कॉलेज में 19, कॉमर्स कॉलेज में 11 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं, महाराजा कॉलेज में 14, राजस्थान कॉलेज में 17 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं, लॉ कॉलेज में 4, लॉ 5 ईयर कॉलेज में 2 मतदान केंद्र। और छात्र संघ चुनाव की वोटिंग के बाद 27 अगस्त को मतगणना होगी, यानी कि उसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक भाटी हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक भाटी के बाद भवानी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और दीपक जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, अमित जो है वो कठपुतली से हमारे साथ जुड़े हैं और ललित हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, हिमांशु हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं, अविनाश हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हैं। और सबसे पहले दीपक मैं आपका रुख करूंगी। दीपक जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और जयपुर से 2 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से ललित हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। ललित से हमने अपडेट लिया था, अब दीपक का रुख करेंगे। दीपक, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें वहां पर? देखिए, करीब आधे घंटे का समय हो चुका है मतदान शुरू हुए और देखिए कैंपस का किंग कौन होगा। आज कॉमर्स कॉलेज में करीब 3518 जो मतदाता हैं, जो स्टूडेंट्स वोटर्स हैं, वो अपने कैंपस का किंग है वो चुनेंगे। 11 है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सुबह से 8 बजे से ही मतदान है वो शुरू हो चुका है, लेकिन राजस्थान कॉलेज में 15 मिनट देरी से यहाँ पर मतदान शुरू हुआ। उसकी वजह थी ABVP और जो कॉलेज प्रशासन है उसके बीच में थोड़ी सी बहस होना, हालांकि वहाँ भी अब मतदान शुरू हो चुका है। देखिए, स्टूडेंट्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो कैंपस का किंग चुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके वोटर्स ID और उनके जो आइडेंटिटी कार्ड हैं वो चेक किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो कॉलेज मैनेजमेंट के जो हैं प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं और राउंड कर रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इनके सामने चुनौती है। मैडम वाइस प्रिंसिपल हैं ममता जैन मैम, मैम कितने वोटर्स हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी सबसे बड़ी चुनौती है? यस, वाणिज्य महाविद्यालय में 3518 वोट हैं, 3518 और 11 बूथ बनाए गए हैं और वोटिंग आधा घंटा हो चुकी है, स्टार्ट हो गई। 2 लेवल्स पे आई कार्ड की चेकिंग हो रही है, साथ ही साथ हम उनके जो गवर्नमेंट के ID प्रूफ कार्ड्स हैं वो भी चेक कर रहे हैं और बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ वोटर आ रहा है और बड़ी सिक्योरिटी के साथ में उनको नाम वोट कास्ट करवा रहे हैं। कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनको अलाउ नहीं किया जा रहा? अभी तक ऐसा हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया है। हर वोटर के पास में ID कार्ड है अपना कॉलेज का और साथ ही साथ उनके पास में गवर्नमेंट ID कार्ड भी है। गवर्नमेंट ID कार्ड है, साथ में कॉलेज का ID कार्ड है। और देखिए, जो यूनिवर्सिटी किससे लेकर राजस्थान कॉलेज या कॉमर्स कॉलेज के जो बाहर की JLN मार्ग है वहाँ पर जो पुलिस के जो अफसर हैं, जो पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो मुनादी करती हुई नजर आ रही है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जमा नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये वो चुनाव होता है 2 साल के बाद, ये छात्र संघ चुनाव नहीं, ये छात्र संघ चुनाव के रंग है इसमें देखने को मिले हैं। हर कोई अपना दमखम यहाँ पर लगा रहा है और ये छात्र संघ चुनाव है राजनीति की पहली सीढ़ी ये मानी जाती है और यहीं से तय होता है उनका भविष्य। तो कई ऐसे जो छात्र नेता हैं जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने और आज मंत्री और विधायक की सीट तक पहुंचे हैं, विधानसभा तक पहुंचे हैं, तो पहली सीढ़ी इसको राजनीति की माना जाता है। लेकिन जो कॉलेज मैनेजमेंट है उसके सामने बड़ी चुनौती रहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए
सुबह 8 बजे से वोटिंग हुई है, 1 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद सभी जो मतपेटियां हैं उनको सील कर दिया जाएगा और कल का वो दिन होगा जब प्रत्याशियों के भाग्य का जो पिटारा है वो खुलेगा, यानी कि कल मतगणना होगी, किसने किसके हक में मत किया है, कौन अपने मतदाता तक के दिल तक पहुंचा है, कितने कैंडिडेट्स पहुंचे हैं, उसके भाग्य का फैसला कल हो जाएगा। राजस्थान कॉलेज में भी इसी तरह से वोटिंग चल रही है, लेकिन 15 मिनट देरी से वहां पर वोटिंग शुरू हुई है। कॉमर्स कॉलेज में वोटिंग ठीक 8 बजे से हुई है, जैसा कि वाइस प्रिंसिपल ममता जैन बता रही थी, यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और दो जगह पर, यानी कि जहाँ से एंट्री होती है वहाँ कार्ड चेक किया जा रहा है, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ उसे बाहर ठीक बाहर कार्ड चेक किया जा रहा है, और यहाँ पर जो जो कॉलेज मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल जो टीचर बैठे हैं वो यहाँ पर प्रोफेसर हैं, वो यहाँ पर उनके आइडेंटिटी कार्ड और जो गवर्नमेंट से जो आई कार्ड है या आधार कार्ड है या वोटर आई डी कार्ड है उसको चेक करके उनके जो मतदान केंद्र है, क्यों 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ तक बता रहे हैं कि आपको किस कक्ष के अंदर अपना वोट कास्ट करने के लिए जाना है। तो देखिए यहाँ पर 1 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद सारी जो मतपेटियाँ हैं वो सील कर दी जाएंगी सभी कैंडिडेट्स के सामने, और कल का वो दिन होगा जब यहाँ पर जो भविष्य है या कह सकते हैं कि भाग्य का जो फैसला जो पिटारा है वो खुलेगा। जी जी बाबा बने रहिएगा, मैं जानकारी आपसे लेते रहूंगी। हिमांशु मित्तल कोटा से, अविनाश जगनावत हमारे साथ उदयपुर से, ललित भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, इनका भी रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे कि हमने बताया था कि ब्रेक के बाद हम अशोक भाटी और भवानी का भी रुख करेंगे, तो अशोक आपके पास क्या जानकारी, इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और कैसी तस्वीरें आप देख सकते हैं? अशोक आवाज मिल पा रही है? अशोक तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो भवानी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं, भवानी आप इस वक्त कहां पर मौजूद, कैसी तस्वीरें हैं, कैसे पुख्ता इंतजाम? ललिता हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललिता आपके पास क्या जानकारी है? ललिता आवाज मिल पा रही है? 45 मिनट का समय हो चुका है मतदान को शुरू हुए और 1 बजे तक मतदान होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप जी, देख जी। सकते हैं गगन, जो मतदाताओं को रिझाने का प्रयास है वो आप देख सकते हैं कि हाथ जोड़ के और उनके पैरों में पड़ के उनके मतदाताओं को रिझाया जा रहा है, अपने जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उनको मतदान करने की अपील की जा रही है। और यहाँ पर लगातार जो मतदान का दौर है वह चालू है, मतदाताओं को लुभाने का दौर भी चालू है। सभी उम्मीदवारों के जो एजेंट हैं वह यहाँ पर मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं कि मतदाता हैं उनसे वोटों की अपील की जा रही है, सभी घुटनों के बल बैठ के यहां पर मतदान की अपील की जा रही है कि उनके समर्थन में मत दिया जाए। आप देख सकते हैं कि सभी जो उम्मीदवार हैं वह यहां पर अपने-अपने प्रत्याशियों के अपने-अपने मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वह उनके समर्थन में वोट करें। इसके साथ ही यहां पर एबीवीपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नरेंद्र यादव भी मौजूद हैं, वह भी लगातार जो प्रत्याशी हैं उम्मीदवार मतदाता हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं कि उनके समर्थन में वोट दिया जाए। नरेंद्र से बात करते हैं। नरेंद्र, मतदान शुरू हो चुका है, दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि हमने आम छात्र को मतदान करने का अधिकार दिलाया है, तो मैं निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूँ कि अभी विश्वविद्यालय के अंदर हर छात्र विद्यार्थी परिषद के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान करें। छात्राएं भी यहाँ पीछे नहीं हैं। गगन आप देख सकती हैं कि जो छात्राएं हैं वह मतदाताओं को रिझाने के लिए उनके गुहार लगा रही हैं कि उनके पक्ष में वोट किया जाए, उनके उम्मीदवारों के पक्ष में वोट किया जाए। ये जो यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट है इसके सामने ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वोटों के लिए यहाँ पर गुहार लगाई जा रही है कि वोट के लिए झुककर यहाँ पर जो मतदाता हैं, आज मतदाता इनके लिए भगवान से कम नहीं है, हर मतदाता के सामने झुक के गुहार लगाई जा रही है कि उनके जो उम्मीदवार हैं उनको वोट दिया जाए। प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद हैं, जो उम्मीदवार हैं वह भी मौजूद हैं कि उनको वोट दिया जाए, सपोर्ट किया जाए। जो उनके चुनावी वादे हैं वह मतदाताओं को बताए जा रहे हैं कि छात्राओं की बात चली है तो छात्राओं की भागीदारी इस बार ज्यादा है अध्यक्ष पद के लिए भी। ललित
गगन आवाज जी आवाज मिल पा रही है हमें दोहरा देंगे जी अब ललित आवाज मिल पा रही है बिल्कुल अब आ रही है आपकी आवाज जी मेरा सवाल यही कि छात्राओं की अगर बात की जाए क्योंकि छात्र नेता होते हैं छात्राएं जो है छात्राओं की इस बार पिछले बार के मुकाबले भागीदारी ज्यादा देख पा रहे हैं जी बिल्कुल आपको बता दें कि इस बार छात्राओं की भागीदारी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है एनएसयूआई ने 4 में से 3 पदों पर महिला प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है अध्यक्ष पद पर रितु बराला को अपना प्रत्याशी घोषित किया है तो वहीं अगर आपको उपाध्यक्ष की बात की जाए तो निकिता फामरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके साथ ही जो धरा कुमावत है ये लड़कियों के सामने ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर होती है क्योंकि लड़कियों जो महिला प्रत्याशी है उनके सामने जो झुक कर वोटों की अपील की जा रही है कि उन्हें मतदान किया जाए उनके उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया जाए एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता रमेश मेरे साथ मौजूद हैं रमेश लगातार मतदाताओं से गुहार लगाई जा रही है देखिए हमने जो पिछले 2 साल में संघर्ष किया है उसी को लेकर हम वोट मांग रहे हैं और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो छात्र संघ का निर्माण होगा वो एनएसयूआई के बैनर तले चुनाव लड़ रहे साथियों के बीच से होगा हमारा अभी भी प्रयास है कि हम यहाँ कैंपस में छात्रों के बीच रहकर काम जो किया है उस विषयों पर मुद्दे पर चुनाव लड़ें और उन विषयों को ही लेकर हमने इस बार सबसे बेहतरीन जो प्रयास किया है वो ये है कि क्योंकि भारत में आधी आबादी महिलाओं की है और हमने 75% जो सीटें हैं उन पर महिलाओं को लड़ाया और हमारा ये विश्वास है कि महिलाएं अगर मजबूत छात्र संघ का निर्माण कर सकती हैं वो महिलाएं हैं और अगर वे लोग अपनी मजबूती से बात रखती हैं मजबूती से रखती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को और पूरे देश को झुकना पड़ता है तो इस बार हमारी जो लड़ाई है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के बैनर तले होगी और इसी के लिए हम यहाँ आज कैंपस में छात्र संघ के पदाधिकारियों के लिए वोट मांग रहे हैं वोट मांग रहे हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ 75% जो पद हैं उन पर महिलाओं को यहाँ पर टिकट दिया गया है अध्यक्ष पद पर रितु बराला हैं तो उपाध्यक्ष पद पर निकिता फामरा हैं तो संयुक्त सचिव पद पर धरा कुमावत ललिता आप बने रहेगा बाकी सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी अशोक भाटी आवाज मिल पा रही है आपको अशोक भाटी नहीं हमारे साथ अमित कोटपुतली से क्या अमित जुड़े हैं हमारे साथ अमित जुड़े हैं हमारे साथ कोटपुतली से क्या अमित जुड़े हैं हमारे साथ कोटपुतली से आवाज मिल पा रही है भवानी क्या आपको आवाज मिल पा रही है भवानी जोधपुर से क्या आपको आवाज मिल पा रही है भवानी आवाज मिल पा रही है क्या हिमांशु क्या आपको आवाज मिल पा रही है हिमांशु ताजा तस्वीरें दिखाएं वहां से देखिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है छात्र संघ चुनाव है और ऐसे में किसी भी तरह से माहौल कम होगा इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और फिलहाल तस्वीरें देखिए गहमा गहमी वाली कोटा राजकीय महाविद्यालय जहां पर छात्र संघ चुनाव का जो पारा है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है देखिए आप सड़क मुख्य मार्ग है रेलवे स्टेशन को जाने वाला आवाजाही बंद है पूरी तरह से देखिए बैरिकेडिंग की हुई है और पुलिस फोर्स ने यहाँ पर जिम्मा संभाला हुआ है देखिए फिर पुलिस की जिम्मेदारी भी निश्चित तौर पर बढ़ जाती है क्योंकि हुड़दंग और हंगामे की तस्वीर आती है चलिए तस्वीर ये दिखाते हैं जो खास है जब वोटर्स छात्र मतदाता अपना वोट करने के लिए आते हैं तो देखिए किस तरह से रिक्वेस्टिंग मोड में ये तमाम जो प्रत्याशी हैं वो नज़र आते हैं किस तरह से रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं किस तरह से मनोहार करते हुए नज़र आते हैं किस तरह से अपने जो छात्र वोटर्स हैं उनको रिझाते हुए नज़र आते हैं किस तरह से उनसे प्रे करते हुए नज़र आते हैं क्योंकि एक एक वोट की कीमत होती है और एक एक वोट पर जीत और हार का जो फैसला है वो हो जाता है और यही अंतिम समय में क्योंकि इतने दिन तक कन्वेंसिंग की इतने दिन तक चुनाव प्रचार किया और इतने दिन के बाद में आज वो घड़ी जब इनके भाग्य का फैसला हो जाएगा और अंतिम वो समय होता है वोट डालने जब छात्र आते हैं तो अपने मत का प्रयोग करते हैं और इनके भाग्य का फैसला हो रहा होता है तो देखिए आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष संयुक्त सचिव महासचिव ये तमाम पदों के लिए वोटिंग हो रही है और हाथ जोड़ करके भैया बहने हाथ पैरों को हाथ लगाते हुए ये तमाम जो उदयपुर से भी कुछ खास तस्वीरें होंगी अविनाश आवाज मिल पा रही है आपको
अविनाश तक भी आवाज नहीं मिल पा रही है। हिमांशु आप जुड़े हुए कोटा से, आप जुड़े रहेगा, तमाम सहयोगी हमारे जुड़े हुए लगातार आप तक काम करने की कोशिश करेंगे, जहां तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है वहां तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए रोकेंगे और जल्द लौटते हैं ताजा तस्वीरों के साथ।